बहू के बिना ही बच्चन परिवार ने मनाई दिवाली। त्योहार के दिन ही घर से बाहर चली गई ऐश्वर्या। बेटी आराध्या का जन्मदिन मनाने अकेले हुई रवाना, तो बहू बिना ही अमिताभ ने प्रतीक्षा बंगले में की पूजा। ऐश नहीं बेटी श्वेता बच्चन ने मनाया घर वालों संग त्योहार। जी हाँ, गॉसिप के गलियारों में बॉलीवुड के बच्चन फैमिली इस वक्त टॉकिंग पॉइंट बनकर छाई हुई है। भैया आखिर जमाने भर में बच्चन परिवार के बीच चल रही अनबन की खबरें खूब सुर्खियां जो बटोर रही हैं। पहले जहां ऐश्वर्या राय ने ससुराल वालों के बिना अपनी बेटी और माँ संग अपना 50वां जन्मदिन मनाया, वहीं बीवी के बर्थडे पर अभिषेक की ड्राई विश ने इनके बीच चल रही खटपट की बातों को और हवा दे दी। तो अब साल के सबसे बड़े त्योहार यानी कि दिवाली के खास मौके पर भी ऐश्वर्या राय को उनके ससुराल वालों के साथ नहीं देखा गया, बल्कि वो तो दिवाली के अगले दिन ही अपनी बेटी आराध्या बच्चन संग बाहर गांव के लिए रवाना भी हो गई। वो भी यूं ही नहीं बल्कि एक वजह के चलते। भैया आखिर एक और जहां इस वक्त देश भर में फेस्टिवल का सीजन है, तो वहीं ऐश्वर्या के लिए भी एक बेहद खास दिन आने वाला है। दो दिन बाद यानी कि 16 नवंबर को उनकी बेटी और बच्चन परिवार की पोती आराध्या बच्चन का बर्थडे जो है। इस साल आराध्या पूरे 12 साल की होने वाली है। ऐसे में बेटी का जन्मदिन मनाने ऐश्वर्या राय अपने पति अभिषेक बच्चन के बिना ही अननेम्ड लोकेशन के लिए रवाना भी हो गई। इतने दिन ऐश्वर्या राय बेटी आराध्या को लेकर मुंबई से बाहर गई, वो भी तब जहां एक तरफ उनके ससुराल में दिवाली की सेलिब्रेशन और गणेश लक्ष्मी पूजन की तैयारियां चल रही थी। दियो और रोशनी के त्योहार के दिन ऐश्वर्या अपने ससुराल की रौनक छोड़ बाहर गांव के लिए रवाना हो गई। वहीं बच्चन ने इस साल की दिवाली ऐश्वर्या के बिना ही मनाई। अमिताभ ने अपने पुराने बंगले प्रतीक्षा में हर साल की तरह दिवाली पूजन किया। बहु ऐश तो नहीं, लेकिन इस मौके पर बिग बी की बेटी श्वेता बच्चन जरूर उनके साथ मौजूद रही। इस दौरान अमिताभ और श्वेता को माथे पर तिलक लगाए भी देखा गया। दिवाली के दिन जब अमिताभ अपने बंगले प्रतीक्षा में पूजा करने पहुंचे, तो उनके साथ श्वेता बच्चन नंदा भी नजर आई। पिता का साथ देने श्वेता उनके साथ पूजा करने आई थी, जिसे देख लोगों ने ऐश्वर्या और बच्चन के बीच हो रही खटपट की बातों को सच करार दिया था। लोगों का कहना रहा कि ऐश्वर्या भरे पूरे परिवार को छोड़ बेटी को लेकर मुंबई से बाहर गई, तो ऐश्वर्या की जिम्मेदारी उनकी ननद और अमिताभ जया की बेटी श्वेता ने उठाई। वैसे ऐश्वर्या भले ही ससुराल की दिवाली से गायब रही, लेकिन श्वेता ने जरूर अपने मायके वालों संग दिवाली के त्योहार को सेलिब्रेट किया। बात ऐश्वर्या और बच्चन की करें, तो बीते काफी दिनों से ऐश्वर्या राय और बच्चन फैमिली के बीच सब कुछ ठीक न होने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अब ऐश्वर्या को बच्चन परिवार के दिवाली सेलिब्रेशन में भी नहीं देखा गया, क्योंकि दिवाली मनाने से कुछ घंटे पहले ही वो बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। वो भी आराध्या के 12th बर्थडे से 2 दिन पहले, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि परिवार से मनमुटाव के बीच ऐश्वर्या इस बार अपनी बेटी का जन्मदिन अकेले ही मनाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।